मित्रों, मैं आज प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में एपिलेप्सी के या मिर्गी के दौरों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आमतौर पे बचपन में कई लोगों को मिर्गी की बीमारी हो जाती है, जिसमें कि वंशानुगत और दूसरे रोग जो मस्तिष्क की कुछ कंजनेटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें मिर्गी के दौरे आते हैं। पर बड़ी उम्र में, 50 के बाद की उम्र में, मिर्गी के दौरे आने के कुछ अलग कारण होते हैं। उनमें से कुछ कारण होते हैं जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक या लकवा, या जिसको अपन पैरालिसिस बोलते हैं, या फिर कभी कभी मस्तिष्क ज्वर में ये इसके बाद में ये दौरे आने लग जाते हैं। हेड इंजरी हो या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद में, ब्रेन में इंजरी होने के बाद में इसमें के दौरे आते हैं मिर्गी के। अगर ब्रेन में ट्यूमर हो तो भी मिर्गी के दौरे आने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर पेशेंट या रोगी अगर शराब का नियमित सेवन करता हो या फिर तो एकदम से बंद करने के बाद में भी मिर्गी के दौरे आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। डायबिटीज वालों में कभी शुगर एकदम से कम होने पर या अधिक होने पर मिर्गी के दौरे आते हैं। कभी कभी वृद्धावस्था में नमक की कमी हो जाती है, जो भी वो भी एक मिर्गी के रोग का मुख्य कारण हो सकता है। तो इन बीमारियों के लिए दवाइयाँ वही उपयोगी होती है जो कि आमतौर पर मिर्गी के लिए दी जाती हैं, पर जो बच्चों में दी जाती हैं। पर इसके अलावा जो कारण, जिस कारण से मिर्गी के दौरे आए हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या ब्रेन ट्यूमर है, मस्तिष्क ज्वर है, उसके रोग का प्रॉपर उपचार करना बहुत जरूरी है पहले, और उसके साथ में मिर्गी की दवाइयाँ भी अपन दे सकते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, अगर शराब पीते हैं तो शराब का निषेध करना, ये सब बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा क्योंकि इस उम्र में रोगियों को अन्य बीमारियां भी रहती है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, पार्किंसन है, तो उनकी दवाइयां भी साथ साथ चलती है। तो उन दवाइयों के साथ में मिर्गी की दवाइयों का कोई दुष्प्रभाव ना हो, तो इसको देखने के लिए अपने को कुछ दवाइयां जो कि उसमें निषेध हो सकती हैं वो अपने को नहीं देना चाहिए। जैसे कि अगर पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है तो फेनिटोइन करके जो ड्रग होती है वो नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि उससे हड्डियां और कमजोर हो सकती हैं। इसी प्रकार अगर किसी को हार्ट की रिदम की प्रॉब्लम होती है तो उसमें अगर अपन कार्बामाजेपिन ड्रग देते हैं तो रिदम डिस्टर्बेंस होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को लीवर की प्रॉब्लम हो तो वेलप्रोइक एसिड या वेलप्रोइड जो दवा होती है वो नुकसान कर सकती है। तो इस प्रकार से बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवा देना चाहिए, जिससे कि उसके मिर्गी के दौरे रुक भी जाएं और उसको कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं। दवाइयों का डोज भी अपने को बहुत सोच समझ के देना पड़ता है, क्योंकि बड़ी उम्र में दवाइयों का डोज अधिक होने से पेशेंट को कभी कभी चक्कर आने लगते हैं, उल्टियां होने लगती हैं, लड़खड़ाहट होने लगती है, या बेहोशी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कम डोज से दवा स्टार्ट करके धीरे धीरे दवा को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि दौरे भी कंट्रोल में हो जाएं और उनको कोई नुकसान न हो। मिर्गी के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी भी जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे कई लोगों को भ्रांति रहती है कि मिर्गी कोई ऊपरी हवा से होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं रहती है। ये मस्तिष्क के अंदर की कोई बीमारी की वजह से ही मिर्गी के दौरे आते हैं, जिसमें कि एकदम से ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लगते हैं, जैसे कि समुद्र में हल्की हल्की लहरें जैसे आती हैं, वैसे अपने मस्तिष्क पे भी हल्की हल्की तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं, जिससे अपना मस्तिष्क काम करता है। पर कभी कभी जैसे समुद्र में एकदम से ज्वार भाटा आ जाता है या बहुत तूफानी लहरें आने लगती हैं, वैसे ही कभी कभी ब्रेन में भी तूफानी लहरें आती हैं, जिसकी वजह से मिर्गी के दौरे आते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए मिर्गी की दवाइयाँ देना पड़ती हैं। इसमें कोई जूता सुंघाने से या प्याज सुंघाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या ऊपरी झाड़फूंक करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसका प्रॉपर उपचार करना बहुत जरूरी है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपने सामने मिर्गी का दौरा आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति को ऐसे सुरक्षित जगह पर लेटा दें, करवट से लेटा दें, ताकि उसकी जीभ अंदर नहीं जाए और उसके दांतों के बीच में जबरदस्ती किसी भी चीज को, चम्मच को या किसी चीज को फंसाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि मिर्गी के दौरे के दौरान दांत भीग जाते हैं, कभी कभी जबान भी कट जाती है। पर उस दौरान वो 5 मिनट के अंदर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसका होश भी धीरे धीरे वापस आ जाएगा। तो उस दौरान उसको ज्यादा बस इतना ध्यान रखें कि वो उसको लार उसकी मुंह के अंदर नहीं जाए, इसलिए करवट से लेटा दें ताकि लार मुंह के बाहर निकल जाए और वो गले में नहीं फंसे। उसके कपड़े ढीले कर दें और उसे ठंडे या हवा या कूलर वगैरह हो तो उसके नीचे लेटा दें। थोड़ी देर में पेशेंट नींद के बाद में वो उठ के नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ी थकान उसके बाद में महसूस हो सकती है, पर वो धीरे धीरे आधे पौन घंटे में या एक घंटे में पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। और उसकी जो भी दवाइयाँ चल रही हैं उसके बारे में एक बार देख लें कि अगर दवाइयों में कुछ उन्होंने नागा किया या दवाई लेना भूल गए हैं तो वो दवाई शुरू कर दें, या अपने जो भी डॉक्टर जिनसे उनका उपचार चलता हो उनको एक बार जाके दिखा दें कि ये दौरा क्यों आया है।
इस बीमारी में कभी भी अपने को हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। जैसे अपन दूसरी बीमारियों को लेते हैं, लोग बताते हैं कि मुझे हार्ट की बीमारी है, मुझे शुगर की बीमारी है, वैसे भी अगर इस बीमारी के प्रति ऐसा नहीं है कि इसे छुपाया जाए या इससे हीन भावना से ग्रस्त रहा जाए या इससे डरने की कोई जरूरत है, ये भी दूसरी बीमारी की तरह है और इसकी दवाइयों से ये बिल्कुल ठीक हो जाती है बीमारी। तो आमतौर पर जो लोग समझते हैं कि मिर्गी की बीमारी होने के बाद में उससे दूर रहें या उससे घबराएं, ऐसी कोई बात नहीं रहती है। ये व्यक्ति जो मिर्गी के मरीज रहते हैं वो शादी भी कर सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं आती है, बशर्ते कि दवाइयाँ बराबर और समय पर लेते रहें। इसके अलावा कई बड़े बड़े लोगों को, महापुरुषों को भी ये बीमारी रही और उसके बावजूद भी उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं और इवन नोबेल प्राइज भी जीते हैं। जैसे आइजैक न्यूटन को भी मिर्गी की बीमारी थी, लिएंडर पेस को मिर्गी की बीमारी थी, और भी कई ऐसे नाम आपको मिल जाएंगे। जॉन्टी रॉड जो क्रिकेट का खिलाड़ी था ऑस्ट्रेलिया का, उसको भी मिर्गी की बीमारी थी, पर उसके बावजूद भी वो अपने अपने फील्ड में बहुत ही कामयाब सिद्ध हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मिर्गी की बीमारी अपने को है तो अपन बिल्कुल निराश हो जाएं या जीवन से में निराश रहें कि अपन अब कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। इस बीमारी के साथ भी अपन सामान्य रूप से जी सकते हैं, सामान्य जीवन जी सकते हैं।